ये शुरू हुआ एक महान प्रोफेसर से ऑस्टर गार्ड और उनके बेहद रोमांचकारी आविष्कार पर आवर्ष से ये हुआ। जैसा कि हमें पता है कि नया ढूंढने के लिए इंसानों का दिमाग सकती है। हमने खोजा कि परावर्ष हमारे दुनिया जैसी ही है काफी हद तक, बस यही फर्क है कि वहां सालों से जंग चल रही है, यहां हमें परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है हाइपोथेटिकल थ्योरी के हिसाब से। अब एशिया काम कर रही है एमके अल्ट्रा में 1950 से, और रशियंस ने साइकोनिसिस की पढ़ाई उसी वक्त कर ली थी। अभी कुछ दिन पहले ही नावी ने सेना के टुकड़े कर दिए और हम यहाँ हैं विटनेस में, जहाँ हम काम कर रहे हैं कुछ 25 साल से। ये बस अभी है, हालांकि अब हम पर्दे के पीछे देख सकते हैं। हमने दोनों दुनिया के बीच में एक पुल जैसा बना दिया है, कुछ कठिन परीक्षण, और हमने काफी इंसानों को वहां भेज दिया नए डायमेंशन को देखने के लिए। क्या प्रोफेसर ऑस्टरगार्ड क्वांटम साइंस रिसर्च फैकल्टी के हेड हैं?
हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? Come on, come on. ये सही है, मगर मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये गलत हो रहा है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिससे ये गलत साबित हो रहा है। सब लोग कहाँ चले गए? मुझे यहां से बाहर जाना होगा। ओके, ये लोग मुझे यहां लाए हैं। यहां से बाहर निकलने का रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं निकलने का। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? अब मैं क्या करूं?
हक है। हमें वही विषय चाहिए था उसे खतरा और संदेह महसूस कराने के लिए। जब तक हम कैरोस जनरेटर का विकास नहीं कर लेते जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर पाते तब तक हमें वो लगातार और समय से करना बेहद जरूरी था। सब्जेक्ट स्थिर नहीं है, हमें दोबारा रीसेट करने की जरूरत है। देखो मुझे पूरा यकीन नहीं है पर हमें ये जारी रखना चाहिए। हमें अभी रीसेट करना होगा, अभी। फिर मैं हूं कहां? एक मिनट,
चलो ये वाला कोशिश करके देखते हैं। अरे चलो भी, वहां दूसरे तरफ से एक एंट्रेंस है, चलो वहां जाके देखते हैं। कुछ भी? अरे ये जगह बहुत खाली खाली सी लग रही है। तो हम क्यों यहाँ है? वो अब तक काफी दूर निकल जाती। सही कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट 7 है, हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जिनका आपस में तालमेल है और एक लहर की मदद से मिलते हैं, वो दरअसल सच है। सही है, अगर इसकी चाबी है तो वो मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ है ही नहीं। कैसे?
कोई है? कोई है? कार स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे ये सब कैसे पता? बहुत अजीब है, मुझे पता था। फिटनेस रिसर्च सेंटर, बीकन हिल 377891, नॉर्थ सेक्टर। हेलो, पूरी दुनिया में जिनका आपस में तालमेल है और एक लहर की मदद से मिलते हैं, वो दरअसल सच है। कौन है? हाँ।
कोई है वहां? मेरा नाम है प्रोफेसर एसरॉन ऑस्टरगार्ड। मैं क्वांटम साइंस और रिसर्च का हेड यहाँ विटनेस में। विटनेस? विटनेस रिसर्च सेंटर। Thank you.
क्या? मोमेंट ले लिया है, जाओ वहां उल्टी तरफ जाओ। उसने मोमेंट ले लिया है, जाओ। खुशबू आ गई है, फैला दो। वो वहां है। हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? यस, हाँ यस, हे भगवान। ओह गॉड, तुम कहाँ हो? तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें आकर वहाँ ढूंढती हूँ, समझे? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं खो गई हूँ। नहीं नहीं, तुम पास में ही कहीं हो, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, बस मुझे बताओ तुम कहाँ हो। वो यहाँ है। कौन है? कौन है वो? उन्हें उन्हें क्या चाहिए? मुझे नहीं पता, देखो शायद मुझे मिल गया। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ हो।
प्लीज हेलो, क्या तुम अभी भी हो? प्लीज 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 हेलो। शिट, अगर मैं यहां से आई हूं तो लेफ्ट क्या बकवास है? एक ही दिन की पुनरावृत्ति हमें स्थिर रहने की अनुमति देती है जब सब कुछ परिवर्तनशील होता है। विषय को रिसेट कर पाते हैं हम जब उनके मानसिक संतुलन पूरी तरह भर जाती है, फिर हम विषय के नए क्षमताओं को जान पाते हैं और उन्हें समझ सकते हैं और देख पाते हैं कि वो कितने पास है जब उन्हें थोड़ा बहुत पहले से मालूम हो और वो खुद असलियत में काम कर सकते हैं, जो बेहद प्रभावशाली होता है। क्यों नहीं? Thank you.
हेलो, कोई है? हेलो, हेलो, यस, हेलो, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो, आप वहाँ पर हैं? मैं यही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से सुन पा रही हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। क्या हुआ था पहले? आखिर तुम चली कहाँ गई थी? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? यहाँ सिपाही हैं हर जगह, वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो सिपाही, मैं उन्हें रात में सुन पाती हूँ, मैं उनकी लाइट को देख पाती हूँ, लेकिन उनको अभी तक नहीं देखा। रात में आना, बस चलते रहो, ठीक है? बिल्कुल भी मत रुकना। मैं इस जगह को जानने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोई रिसर्च सेंटर है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद ये मदद करेगा। विटनेस, सब शुरू हो चुका। रुको, तुमने अभी विटनेस कहा, वही तो है, वही जगह है। हेलो, आप अभी भी हैं? देखिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे विटनेस में मिलिए। हेलो, तरफ जाके पता करो। हाँ, वो भी ठीक है, और ज्यादा दूर नहीं जा पाई है। अगर हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे तो क्या फिर से रिसेट करें? नहीं, उसने गाड़ी चलाने को कहा है, देखते हैं वो क्या करती है। ये सही में हम उस पर दबाव डाल रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों? मुझे क्या पता। जाओ, जाओ।
मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं वापस नहीं गई। ये मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है? शिट! नहीं, एक मिनट, ये सही नहीं हो सकता। कुछ ही वैज्ञानिक ऐसे हैं जो हो सकता है वो होगा ही। हम कोई भी पसंद चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं और अनंत दुनिया है जहां सही में लागू होता है। क्या होगा अगर हम वो तरीके देख लें, और क्या होगा अगर वो चुने जो हमें चाहिए? कोई भी पसंद जो आप बनाते हैं उसके अनगिनत तरीके हैं, तो वो चुनो जो आपको चाहिए। क्या होगा अगर वो चुने जो हमें चाहिए? कोई भी पसंद जो आप बनाते हैं उसके अनगिनत तरीके हैं, तो वो चुनो जो आपको चाहिए। वापस यही? अब मैं क्या गलत कर रही हूं?
अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत संभावनाएं। वो गाड़ी, वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है। मैं कहाँ हूँ? ये क्या है? 2-3 मील? ओके। हेलो, यस, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं भी पास हूँ, शायद 2-3 किलोमीटर दूर विटनेस से। मैं पास ही हूँ, क्या तुम वहाँ हो? मैं भी पास हूँ, शायद 2-3 किलोमीटर दूर विटनेस से। देखो, मैं वहाँ 1 घंटे में शायद पहुँच जाऊँगी। मैं रास्ते में ही हूँ। वो फिर से आ रही है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो। कहाँ से निकलूं? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता, मैं किसी खेल या ऐसी चीज में अटकी हूँ, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट, और मैं नहीं रोक पा रही हूँ। वो हमें यूज कर रहे हैं। कौन है वो? वैज्ञानिक, फिटनेस के वैज्ञानिक। तुम्हें सतर्क रहना होगा, वो किसी भी हाल में नहीं रुकेंगे। Oh.
ये क्या है? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सुनिए, हेलो, हे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? माफ कीजिए, सुनिए, हेलो, हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? नतीजा निकला आखिरी वाले एक्सपेरिमेंट का? वही जिसका मुझे डर था, वो सभी उसी एक्सपेरिमेंट की तरफ फिर से आ रहे हैं। लेकिन उनको पता कैसे चला? उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो पहले भी देखा था, ऐसा कुछ नहीं जिसे उनका दिमाग निर्माण नहीं कर सके। ये कह सकते हैं कि उनकी इमेजिनेशन की एक क्षमता है।
अभी अभी अमेरिकन लोग सीख रहे हैं कि कैसे रशियन ने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा किया यही मेरी चिंता थी प्रोफेसर। प्रोफेसर कोई है और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो मुझे इसकी चिंता थी प्रोफेसर। कोई मुझे सुनता क्यों नहीं? या नहीं है ये बस अभी है। हालांकि अब हम पर्दे के पीछे देख सकते हैं। हमने दोनों दुनिया के बीच में एक पुल जैसा बना दिया है। कुछ कठिन परीक्षण और हमने काफी इंसानों को वहां भेज दिया नए डायमेंशन को देखने के लिए।
आखिर ये चीज क्या है? स्वागत है, मेरा नाम प्रोफेसर आरोन ऑस्ट्रगार्ड है और मैं क्वांटम साइंस रिसर्च फैकल्टी का हेड हूँ यहाँ विटनेस में। इस वीडियो में हम अपने दरवाजे खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाइटल इन्वेस्टमेंट से हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि कैसे हम इस जरूरी काम में आए कि इंसान कैसे सब अनगिनत संभव देख सकता है। ये क्या कर दिया तुमने प्रोफेसर? अरे तुम वापस आ गई, देखो। Thank you.
हे, तुम वापस आ गई? देखो, मैंने कहा था तुम कर लोगी। क्या जो तुम हमेशा करती हो, और वो हो गया हमेशा की तरह। अब तुम फंस गई हो, फंस गई उस दुनिया में। ये टाइम लूप है, बार बार एक ही चीज होती है, बार बार फिर से। तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, जानती हूं। तुम यहां आखिरी बार नहीं आ रही हो और ना ही पहली बार आ रही हो, और इसका अंतिम भी नहीं। हम सब यही हैं, जितने भी संभव हैं, सब एक बार में। लेकिन तुम एक अकेली लड़की ही ऐसी हो जो खो चुकी हो, एक विषय जिसका एक ऐसा पार्ट है जो खो चुका है। यहां कोई तो होगी ऐसी, और वो तुम हो। सच बात तो यह है कि वो तुम हो। बार 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 फिर से, अनगिनत बार। हाय, हाँ मैं ठीक हूँ, यही है बिल्कुल। तुम कैसी हो? ओके, ठीक है। तो फिर हम अब पर्दे के पीछे देख सकते हैं अनगिनत रास्ते। सब्जेक्ट को खत्म करने की तैयारी करो। 3, 2, 1।